डॉक्टर एसपी सिंह ओब्राई वालों किया गया एक वड्डा उपराला। जरूरतमंद संगतां लई बनाई गई लैब का किया उद्घाटन। दशमेश पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के जन्म स्थान पटना साहिब नूं लैके सिख संगत लई एक बहुत ही वधिया ते खुशियां भरी खबर सामने आई है। खुशी भरी खबर यह है कि श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पुरब नूं समर्पित प्रोग्राम की लड़ी विच सरबत दा भला चैरिटेबल ट्रस्ट के एसपी सिंह ओब्रोई वालों तख्त श्री पटना साहिब विखे क्लिनिकल लैब का उद्घाटन किया गया। दसणयोग है कि तख्त श्री पटना साहिब के 4-5 किलोमीटर के नेड़े तेड़े कोई भी डॉक्टरी सहूलत का प्रबंध नहीं सी, जिसके मद्देनजर एसपी सिंह ओब्रोई वालों पटना साहिब विखे आने वाली संगत की सेहत नूं ध्यान विच रखदिया यह बहुत ही वड्डा उपराला किया गया। दसन योग है कि जेकर उथे कोई डॉक्टरी सहूलत है ता डॉक्टरा वालों उथे काफी वड्डी मात्रा दे विच पैसे वसूले जांदे नी, ते हुन इना सब गल्लां नूं ध्यान विच रखदिया एसपी सिंह ओब्रोई वालों तख्त श्री पटना साहिब विखे आउण वाली संगत दी सेहत नूं ध्यान विच रखदिया क्लिनिकल लैब दा उद्घाटन किया गया, जिसदे विच पटना साहिब विखे आउण वाली संगत अते बाकी दे लोक बहुत ही घट रेटा दे विच अपने सेहत नाल संबंधित टेस्ट करवा सकदे है। देशा विदेशा तो काफी सारियां संगतां तख्त श्री पटना साहिब विखे दर्शन करन आउंदियां ने। उस प्रॉब्लम ध्यान विच रखदियां सिख पंथ दे सेवादार एसपी सिंह ओब्रोई वालों बहुत ही वड्डा उपराला किया गया। दसणयोग है कि एसपी सिंह ओब्रोई सिर्फ भारत विच ही नहीं बल्कि दुबई दे विच रहिंदे भारतीय अते सिख पंथ लई काफियां सारियां सेवावां निभांदे ने, ते हुण तख्त श्री पटना साहिब विखे सिख संगत दी इस मुश्किल नूं वेखदे होए एसपी ओब्रोई वालों पंडित शिव दत्त दी याद नूं समर्पित घट रेटा दे विच टेस्ट करन वाली लैब दा उद्घाटन किया गया। एसपी सिंह ओब्रोई वालों किते इस उपराले नूं लेके सिंह साहिबाना दा अते खुद एसपी सिंह ओब्रोई दा की कहना है, आओ सुनदे हां। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। अज तख्त श्री पटना साहिब सिंह साहब ते गुरद्वारा कमेटी दे सहयोग नाल पंडित शिव दत्त जी दे समर्पित एक लैब जिहड़ी है इत्थे गुरद्वारा साहिब च खोली गई है। अज इस तो पहला भी ट्रस्ट वालों एक जरा मुहिम शुरू की सी, पहला आते कि 50 लैबोरेटरीज खोलनिया ने अपन, लेकिन हुण वधदियां तकरीबन 60 हो गई ने, जिन्हां चों साडियां 30 अप्रैल तक 40 लैबोरेटरीज जिहड़ियां ऑपरेशन च आ जाणगियां, ते 3 महीने होर लगणगे, 3-4 महीने के अंदर अंदर असीं 60 लैबोरेटरी टच कर जावांगे। दूसरा साडा एक यह सी कि जदों साडियां 50 लैबोरेटरीज कंप्लीट हो जांदियां ने ते उस टाइम ते जिहड़ी सैकंड जिहड़ी लुट मची हुई है, क्योंकि मैं मानदा कि जिहड़ी पहली लुट है गरीब नूं लुटिया जा रहा वो सीगियां लैबोरेटरीज महंगे टैस्टा करके, दूसरा जिहड़ा दवाइयां बड़ियां महंगियां ने। सो वो जिहड़े साडे मैडिकल स्टोर ने जिथे इत्थे असीं लैबोरेटरीज खोल रहे हैं उत्थे नाल नाल जिहड़ी है सस्तियां दवाइयां दीआं दुकानां ये भी नाल नाल खोलणियां शुरू हो जाणगियां। सो ये मुहिम पहला पंजाब तो शुरू की गई सी, फिर हरियाणा हिमाचल ये सारा राजस्थान च खुल चुकियां ने। सो पिछे जे असी पौंटा साहब भी खोल के आए थे, वो भी बड़ी अच्छी चल रही है, अज इत्थे भी खुल गई है। सो कोशिश साडी यही रहिंदी है कि असी जिहड़ा गरीब पेशेंट है उन्हूं बहुत सस्ता जिहड़ा टेस्ट कराए जाण। अज मैं दसना चाहांगा कि सिंपल जिस तरह असी ECG कराने हैं, अगर सरकारी हॉस्पिटल च भी कराओ सिविल हॉस्पिटल तो 60 रुपये चार्ज करते हैं, तो जे प्राइवेट कराओ तो 150-200 रुपया लग जाता है, लेकिन साड़ी किसी भी लैबोरेटरी जाओगे उत्थे सिर्फ 20 रुपये चार्ज किए जाएंगे। इस तरह जिहड़े मेन टेस्ट है ने 10-12 टेस्ट है, सो वो टेस्टा का एक पैकेज बनया हुंदा जिहड़ा कि 3500 रुपया जिहड़ा बाहर चार्ज किया जाता है, अपनियां सारिया लैबोरेटरियां विच सिर्फ 320 रुपये चार्ज किए जाने ने, तां क्योंकि 320 रुपये जिहड़े है ये कोई भी बंदा जिहड़ा वो पे कर सकदा खर्च कर सकदा हैगा। सो इस तरीके नाल साडी कोशिश है। अज दी जिहड़ा प्रोग्राम होया जी, ये पंडित शिव दत्त दे नां ते एक लैब खोली गई है टेस्टिंग लैब। ਇੱਥੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਸਰ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਓਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਲੈਬ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਲੈਬ ਖੋਲ੍ਹੀ ਆ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਆ ਸਾਡੇ ਪਟਨਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਮੰਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਜੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਪੂਰੇ। ਔਰ ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਿਵ
दत्त दे नौ दे जी क्लिनिक खुली हुई है। आ लोग तो इन्ने बागो बाग हो सवेर की लाइन लगी हुई है तख्त साहब से, देखो मत्था टेकन की उन्होंने बड़े खुशी का माहौल आ। असी अपराध साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, साढ़े जथेदार साहब का भी बहुत करते हैं। जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। सब तो पहला गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का कोटन कोट धनवाद शुकराना जिन्हों की अपार बख्शिश हुई है। तख्त श्री हरिमंदर जी पटना साहब विखे जोड़े कि बड़े लंबे समय तो इंतजार से कि डिस्पेंसरी की लोड़ है, ये अज घाट पूरी हुई है। सतगुरों ने कृपा की है। सरबत का भला चैरिटेबल ट्रस्ट वालों सरदार एस पी सिंह जी उभराए जिन्हों के सहयोग नाल अज डिस्पेंसरी का अज उद्घाटन होया है। समय समय से जब इतने ठहरने वाले यात्रियों गुरद्वारा साहब के स्टाफ को लोड़ पैंदी सी बाहर जाना पैंदा सी, हुण जब भी किसी नूं लोड़ पै गई बड़े घट रेट से फ्री विच ये टैक्नीशियन लैब डॉक्टर हर वेले इतने उपलब्ध रहणगे। ये बहुत ही खुशी की गल है। सतगुरों का शुकराना अते उभराए साहब दा। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। अज गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के पावन आगमन स्थान तख्त श्री हरिमंदर जी पटना साहिब विखे सारे प्रबंधकों के सहयोग उपराले अते सिद्दत ते गुरुद्वारों नवाजे हुए सरदार एस पी सिंह जी ओबे राय दुबई वाले अते उन्हां दे सरबत दा भला चैरिटेबल ट्रस्ट वालों गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे महान सेवक महान समर्पित हिरदा सारी जिंदगी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे मत दा प्रचार करन वाले पंडित शिवदत्त जी दी याद नूं समर्पित होंदिया उन्हां दे नाम ते पंडित शिवदत्त टेस्टिंग लैब का प्रारंभ हो गया। पहला तख्त साहब विखे अंदर अरदास होई है, उस तो बाद इस स्थान पर जो बिल्कुल तख्त साहब जी की दर्शनी ड्योड़ी दे विच प्रवेश दे नाल ही खब्बे पासे है गुरु पातशाह जी के चरणों च अरदास करदिआं प्रारंभता की गई है। तां कि जिहड़ी बाजार विच दुख की गल है कि सेहत सेवावां नूं भी एक मार्केट बना दिता गया तो बहुत ज़्यादा लुट खसुट देखी जा रही है, जिसनों मुख रखदा हो सरदार एस पी सिंह ओबे राय जी द्वारा बहुत नाम मात्र लागत मात्र कीमत पर जोड़े महंगे महंगे टैसट हैं जोड़े टैसट बाज़ार 8,000 के ने लगभग 1,700 सारे कंप्लीट करके तो उन्हों का एक्यूरेट रिजल्ट जोड़ा रिपोर्टा जड़िया ने वो मरीजा दतिया जाएगियाँ। और हमने शुरुआत है, अगे चल के इस ही मंजिल के उपरली मंजिल पर गालबन 50 के करीब डायलिसिस यूनिट लगाए जाएंगे। शुरुआत एक दर्जन डायलिसिस यूनिट तो की जाएगी तो ज्यों ज्यों लोड़ वधेगी लोड़ भासेगी त्यों त्यों होर यूनिट वधाए जाएंगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं हिंदी दे विच आप जी नूं दसना चाहांगा कि अज तख्त श्री हरिमंदर जी पटना साहिब बिहार के सिखों का सबसे बड़ा ये दूसरा तख्त जहाँ पे आज गुरु महाराज जी की आशीष कृपा सदके जो संगत की बहुत दिनों से ये मांग थी और यहाँ की संगत ये पटना साहिब तख्त साहब के आसपास की संगत जो बहुत ज़रूरत आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हमारे जो तख्त श्री हरिमंदर जी पटना साहब के सेवादार ऑल स्टाफ सबों की ये ज़रूरत थी जो कि आज गुरु महाराज जी ने ये पूरी की। और हमारे साथ सरदार एसपी सिंह ओबराय साहब जो है हमारे साथ में है, इन्हीं की ये सेवा है, गुरु महाराज जी ने ये सेवा इनसे ली है। इसके अलावा भी बिहार के अंदर बहुत जगह जो है सिखों की बड़ी गिनती है और सिख परिवार वहाँ रहते हैं और वहाँ भी हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि इस तरह की जो सेवाएं हैं वो वहाँ भी प्रदान कराएं। और ये
बड़ी खुशी की आज हम लोगों के लिए बात है कि ये जो यहाँ हर धर्म के लोग आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिखों के लिए, सर्व धर्म के लिए ये सेवा है। सर्वत का भला जो इनकी ट्रस्ट का जो मनोरथ है उसके ज़रिए ये सर्वत के भले के लिए खोला गया है। हम लोग सारी प्रबंधक कमेटी, हमारे प्रधान अवतार सिंह हित जी, हमारे जनरल सेक्रेटरी महेंद्रपाल सिंह ढिल्लो जी, हमारे बिहार सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष सूरज सिंह जी नलवा जी, वो भी यहाँ पहुँचे हैं, और हम लोग सभी को SP ओबराय साहब का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चढ़दी कला, टाइम टीवी।